इंसानों का काम आसान बनाने वाली जबरदस्त मशीन है, ये है एयरक्राफ्ट कैडी। इस व्हीकल का उपयोग एयरक्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए किया जाता है। ये छोटा सा दिखने वाला व्हीकल काफ़ी पावरफुल है। एयरक्राफ्ट को मूव कराने के लिए सबसे पहले एयरक्राफ्ट के आगे वाले टायर को कैडी के ऊपर लाया जाता है, फिर इस कैडी को हैंडल्स के जरिए ड्राइव करते हुए सावधानी से इसे दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है। ये एक फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसे यूज करने के बाद वापस चार्जिंग पर लगा दिया जाता है। यह है पिलर ब्रेकर। ये एक काफ़ी पावरफुल हाइड्रोलिक मशीन है जिसका इस्तेमाल कंक्रीट से बने पिलर्स को तोड़ने के लिए किया जाता है। इसे क्रेन के जरिए पिलर्स पर डाला जाता है और फिर इस पर हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई कर दिया जाता है। इसके बाद ये मशीन पिलर्स को डिस्ट्रॉय करती जाती है। ये है रॉक स्प्लिटर। इस मशीन का इस्तेमाल चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता है। ये मशीन दिखने में काफ़ी छोटी है लेकिन ये बड़ी बड़ी चट्टानों को भी आसानी से तोड़ देती है। चट्टानों को तोड़ने के लिए सबसे पहले उनमें ड्रिल के जरिए होल किया जाता है, फिर इसमें इस मशीन को लगा दिया जाता है। फिर ये मशीन अपनी खतरनाक हाइड्रोलिक पावर के जरिए चट्टानों के टुकड़े कर देती है। और इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि ये इस्तेमाल के समय किसी भी तरह की आवाज़ और वाइब्रेशन भी जनरेट नहीं करती है। ये है हाई लिफ्ट जैक। ये एक ह्यूमन पावर्ड जैक है जिसका इस्तेमाल किसी भी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए किया जा सकता है। इसको ऑपरेट करना भी काफ़ी आसान है, बस इसे फिक्स करके इसके हैंडल को बार बार प्रेस करना होता है। इसकी मदद से किसी भी व्हीकल या ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया जा सकता है। साथ ही इस जैक का इस्तेमाल लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भी किया जा सकता है। ये है रोड कटर। ये भी काफ़ी एडवांस और हाइड्रोलिक मशीन है जो कि लोहे की रोड को काटने का काम करती है। ये मशीन लोहे की मोटी मोटी रोड्स को काफ़ी आसानी से काट देती है। और इस मशीन की खास बात यह है कि इसमें लोहे को काटते समय किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन और झटका महसूस नहीं होता है। ये है स्नो सोवेल। इस मशीन का इस्तेमाल बर्फ हटाने के लिए किया जाता है। ये एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसे एक बार चार्ज करके 50 मिनट तक लगातार चलाया जा सकता है। इसमें लगी ब्लेड्स बर्फ को काटकर आगे की तरफ फेंकती जाती है। साइज छोटा होने की वजह से मशीन को ऑपरेट करना भी काफ़ी आसान है और ज़्यादातर इसे घरों की बर्फ हटाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये सभी मशीनें कैसी लगी अपने विचारों में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।